वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? फैजान हैदर। कोई सवाल लाए हैं आप? सवाल मैं लाया हूँ मारिया मैम के लिए जी। पहले ये नाराज भी नहीं हो, फिर एक सजेशन भी है, जेलस भी नहीं होना है। जेलस भी नहीं और एक पूरी खबर सजेशन भी देना है और नहीं, सजेशन मैं दूंगा हाँ। नसीहत भी करूँगा। अच्छा। सवाल पे सिर्फ जवाब देना है कि मैम ने अब तक शादी क्यों नहीं की। सजेशन क्या है? बुरी खबर पहले बताता हूँ। जैसे ताबिश भाई ने शादी कर ली थी रिसेंटली, मैंने भी कर ली है, ये बुरी खबर है। सजेशन ये है कि अच्छे लड़के हाथ से निकल रहे हैं, जल्दी से शादी कर लें। मैं देख ही नहीं रहा, उधर देख रहा हूँ। अच्छे लड़के निकल रहे हैं, अपसेट हो गई हूं। तो शायद उन्होंने करनी बुरे लड़के से है। सलमान खान की लेडीज वर्जन बनना चाहती हूँ, अरे पूछे शादी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं की, इस वजह से मैंने कहा कि चलो कर ही ले। अब यार कर लेंगी ना, उनकी अपनी मर्जी। आपने कर ली? मैंने कर लिया, ये बुरी खबर है। लव मैरिज है या अरेंज्ड है? अरेंज है। अरेंज है, ठीक है ठीक है ठीक है। लव हो गया? हाँ हो गया ना। हो गया। आप खुश हो? खुश हूँ। वो इस तरह खुश है? करने का इरादा होगा ना, अगर कर ले तो फिर किस तरह के लड़के से करना पसंद करेंगे? प्रिंस चार्मिंग का खाका सा होता है दिमाग में। चार्मिंग की हार्मिंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल तो ड्रामों में सिर्फ हार्मिंग ही चल रही है ना, मार मार के कुटी जा रहे, कुटी जा रहे, बाल पुटी जा रहे, बंदा और लड़की रोई जा रही है और उसी से एंड में उसको प्यार हो जाता है। मेरे ड्रामे का करके पता चल गया ना, क्या ड्रामे कर कर। अच्छा एक तो मैंने ये हद हो गई, जो ड्रामा देखो उसमें हीरो पहले गंदा ही होता है, थप्पड़ मारता है, गाली गलौज करता है, आखिर में वही हीरो बन जाता है। ये तो चल रहा है एंटा हीरो। आपने कोई सोचा रखा है खाका मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए? मैं बिल्कुल ऐसी गफलत की नींद नहीं सोती। ये तो कितना गंदा गाना है, मेरे ख्वाबों में कोई आए आके मुझे छेड़ जाए। हाँ, उसमें भी ये हो रहा है, ये क्यों छेड़, अलाउ क्यों कर रहे हैं, अलाउ क्यों कर रहे हैं। ये गाना जो है ये आपके पूरे शो को डिफाइन करता है। बहुत भारी शो पड़ रहा है मुझ पर। अच्छा जी, नहीं नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मैं आप लोगों ने ऐसे ही रखना है, मुझ पर रहम दिली नहीं करनी, जो आप कर रहे हैं वो हम करेंगे। अच्छा, बादलों पे बसेरा, हाँ जी, क्या स्टोरी थी बादलों में बसेरा? वो अच्छा सीरियस टॉपिक था मगर हुआ कुछ मजा ही उसके अंदर। कि हुआ ये मारिया वास्ती की, इनकी मारिया की शादी जो है वो एक शख्स से कर दी गई टेलीफोन पे, जिसकी जवानी तस्वीर उस बंदे ने भेजी थी, मगर जब शादी हुई तो वो बूढ़े थे, तो बंदे ने दो नंबरी भी नहीं की, तस्वीर भी अपनी भेजी मगर जब शादी हो गई तो वो बुजुर्ग थे। ये शदीद दो नंबरी है, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बंदा तो अपने अंदर लेकर बैठा होगा अंदर से जवान। हाँ अंदर से भाई, नहीं तस्वीर तो मेरी ही थी। अच्छा खैर, तो हमारे साथ भी बचपन में ऐसा होता था, चैटिंग करते हुए हम पूरी रात शफक से बात करते थे, सुबह शफीक निकलता था। तो ये आपके साथ कभी हुआ चैटिंग वैटिंग का दौर चला है? हाँ, आप लोग भी कभी गरीब हो गए ना, माहिदारा मिडिल क्लास ऐसा होता है ना, तो आर्टिस्ट मशहूर हमेशा तो थोड़ी अमीर होते। आपको खत आते थे? आपको खत आते थे? हाँ हाँ खत आते थे, क्या स्टोरी है? अरे मैंने कहा था कि खून वाला ना तो खत आया, खून वाला ना खत आया मुझे मुझे एक दफा मच्छर ने लिखा, नहीं मच्छर ने क्या लिखा था किसी ने अपने, अच्छा मैंने सोचा किसी ने सिरिंज से निकाल के पेन में उसमें इंक पेन में डाल के लिखा। अच्छा वो ना अजीब कोई पर्पल सा कलर था खून का, ये पर्पल नहीं, वो खून जब बदल जाता है ना, तो वो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैं और एंड में ये मैंने अपने खून से, उर्दू पढ़ी भी नहीं जा रही, कभी किसी को बुला रही हूँ, कभी हमजा के लिए साथ जो उनका ख्याल रखती थी, मैंने कहा शमाला बेटा जरा इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, एकदम से मैंने छोड़ दिया, कहता अभी इसके खून से लिखा हुआ है, मैं कहा बेड़ा गरज मांगो।